हेलो एवरीवन, मैं हूँ दुर्गा। स्वागत है आपका मेरे चैनल त्रिशा केक्स एंड कुकिंग में। आज मैं लेकर आई हूँ न्यू रेसिपी। ये बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है और कम इंग्रेडिएंट से बनने वाली है। आज मैं बनाने वाली हूँ हरी मिर्च का ठेचा। इसे आप दाल चावल के साथ या फिर रोटी के साथ या फिर राइस के साथ भी आप खा सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो शुरू करते हैं। हरी मिर्च का ठेचा बनाने के लिए मैंने लिया है ये मिर्ची। ये दो कलर की, दो टाइप की मिर्ची है। आप कलर से देख सकते हो, इसका कलर डार्क है, इसका लाइट है। इसका मतलब ये जो है ये कम तीखी मिर्ची है और ये ज़्यादा तीखी। अभी मिर्ची कौन सी लेनी है ये खाने वाले पे डिपेंड करेगा। आपको अगर ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप ये वाली मिर्ची ले लो। अगर कोई किसी को कम तीखा पसंद है तो आप ये लाइट ग्रीन मिर्ची ले लो, या फिर आप ये दोनों मिक्स करके भी ले सकते हो। मैंने लिया है ये कम तीखी मिर्ची और थोड़ी सी मैंने 5 से 6 मिर्ची मैंने ज़्यादा तीखी ऐसा लिया है, तो तीखापन जो है वो बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद ये लिया है मैंने बड़ी वाली एक लहसुन की कली। ये मूंगफली है, मूंगफली को मैंने भून के उसका छिलका निकाल लिया है इस तरीके से। ये 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून जीरा और ये कुछ हरी धनिया है। इतनी सारी चीज़ें हमें लगेगी मिर्ची का ठेचा बनाने के लिए। अब हमें क्या करना है, इन मिर्चियों को भून लेना है। भूनने से पहले ये मैंने, आप देख सकते हो, सारी मिर्चियों को अच्छे से कट कर लिया है। वो इसलिए कि मिर्ची अच्छे से भून सके। अब मैं ये सारे मिर्च के पीसेस पैन में ले लूंगी और इसको अच्छे से भून लेना है और इसे हमें कंटिन्यू चलाते रहना है। नहीं तो ये क्या हो जाएगा, मिर्ची एक साइड से ही जल जाएगी। मिर्ची को हमें सारी साइड से अच्छे से भून लेना है। अभी हमारी मिर्ची थोड़ी सी भून चुकी है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी ये 1 टीस्पून ऑयल। इस तरीके से हमें कंटिन्यू चलाते रहना है ताकि हमारी मिर्चियाँ जो है एक साइड से जले ना। ये आप देख सकते हो कि मिर्ची जो है भून के रेडी हो चुकी है। इस तरीके से भूननी चाहिए, आप देख सकते हो। ओके, अब मैंने मिर्ची को एक प्लेट में निकाल लिया है। इसे मुझे कम्प्लीटली ठंडा करना है क्योंकि मैं इसे पीसने वाली हूँ, तो मैं इसे गरम गरम इसको नहीं पीस सकती हूँ। तो इसको ठंडा करके उसके बाद हम पीसेंगे। अब ये देख सकते हो हमारी मिर्ची जो है कम्प्लीटली ठंडी हो चुकी है। मैंने इसे ब्लेंडिंग जार में निकाल लिया है। इसके बाद जाएगा ये लहसुन, जीरा, इसके बाद जाएगी ये भुनी हुई मूंगफली और ये स्वादानुसार नमक। नमक थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। ठेचा में एक्चुअली नमक थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ किया जाता है, वो इसलिए कि मिर्ची का जो तीखापन है वो बैलेंस हो सके। चलो इसे मैं अभी ब्लेंड कर लेती हूँ, बट ब्लेंड बहुत ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ ऑन ऑफ करना है, ऑन ऑफ करना है। नहीं तो अगर आप इसको ज़्यादा ब्लेंड करोगे तो ये आपका एकदम पेस्ट बन जाएगा। हमें पेस्ट नहीं करना है, इसे दरदरा में पीसना है। हमेशा याद रखें कि मिर्ची का ठेचा जो होता है वो थोड़ा दरदरा होता है। ये आप देख सकते हो, ये ठेचा को मैंने ग्राइंड कर लिया है। ये आप देख सकते हो मैंने कितना दरदरा इसको ग्राइंड किया है। पीसेस भी दिख रहे हैं, बारीक भी हो गया है। इस तरीके से आपको इस मिर्ची को, मिर्ची और सारे मिश्रण को ग्राइंड कर लेना है। अगर आपके पास कोई घर पे कूटने वाली चीज़ है, ओखली वगैरह, तो आप उसमें भी इसको कूट कर बारीक कर सकते हैं। अब हम ये ग्राइंड किए हुए ठेचा को तड़का लगा लेंगे। ये लिया है मैंने पैन। पैन में मैं डालूंगी 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। ये मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है।
अब इसमें जाएगा थोड़ा सा जीरा और अब ये डाल दूंगी मैं ठेचा। और इसके बाद जाएगा ये काफी सारा हरा धनिया। गैस को लो फ्लेम पे इसे ही रखना है और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है इस तरीके से। इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से चलाते हुए फ्राई करना है, इसे कंटिन्यू चलाते रहना है। यह आप देख सकते हो हमारा ठेचा भी अभी रेडी हो चुका है। मैं इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये हमारा हरी मिर्च का ठेचा बनके रेडी हो चुका है। ये दिखने में जितना अच्छा लग रहा है उतना खाने में भी स्वादिष्ट है। आप भी ये घर पर ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट में बताना कि कैसा बना है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि मेरे आने वाले अच्छे अच्छे वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहे। चलो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।